Yeah, I think Dhanush is very, very cute looking, and I look forward to working with him. But right now, I'm not confirming any film. I am doing a film here. The film is called Ranjana. Sonam Kapoor is playing the lead role. कितनी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं धनुष और सोनम। कल मिर्ची अवार्ड्स पर धनुष ने कह दिया कि बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए उन्होंने अपने ऑपोजिट सोनम को सिलेक्ट कर लिया है। आई एम डूइंग अ फिल्म हियर, द फिल्म इज कॉल्ड रंजना, सोनम कपूर इज प्लेइंग द लीड रोल। जी, आई थिंक धनुष इज वेरी वेरी क्यूट लुकिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, बट राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्मिंग एनी फिल्म। और सोनम है कि अभी तक कंफर्म करने को तैयार नहीं। लगता है कि सोनम को अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कोलावेरी डी फेम धनुष के साथ फिल्म करने जा रही हैं, और इसीलिए वो कंफर्म नहीं करना चाहती, या फिर इसके पीछे है कुछ और वजह। खैर, ये पूरा माजरा क्या है इसका तो हम पता लगा कर रहेंगे, लेकिन हमें इस इवेंट पर सोनम की जिस बात ने हैरान किया वो था सोनम का अपनी आंट ऐश्वर्या के लिए ये पॉजिटिव साइड। Aishwarya Rai is also going to be there. I'm also going to be there, and we're all there in full force to celebrate women. सोनम यहाँ बात बात में जिस तरह से आंटी ऐश्वर्या के नाम की रट लगा रही थी, उसे देखकर लगता है कि पिछली बार ऐश्वर्या को आंटी कहने पर उनके पापा से उन्हें काफी डांट पड़ी है। और प्लेयर्स के दौरान अभिषेक ने भी कर दिया है सोनम का माइंड वॉश। तभी तो सोनम ऐश के साथ फेमिना अवार्ड में जाने के लिए रेडी हो गयी। ऐश्वर्या राय इज आल्सो गोइंग टू बी देयर, आई एम आल्सो गोइंग टू बी देयर, एंड वी आर ऑल देयर इन फुल फोर्स टू celebrate women. We hope कि Femina Awards पर ऐश और सोनम की बॉन्डिंग और मजबूत हो गई हो। वैसे है प्रोडक्ट के लॉन्च पर पहुंची सोनम ने हमें ये भी बताया कि उनके अच्छे बालों का राज क्या है। Besides taking care of it, बचपन से ये हेरिडिटरी भी है। I'm a पंजाबी सिंधी, okay? ना अगर पंजाबी सिंधी को अच्छे बाल नहीं होंगे तो किसको होंगे अच्छे बाल? और another thing is, I'm my father's daughter. अगर मुझे अच्छे बाल नहीं होंगे तो किसको होंगे अच्छे बाल? बस सोनम, आपके इस बात से इत्तेफाक तो हम ही नहीं आमिर खान भी रखते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अनिल के बालों पर एक गाने में फनी एक्ट भी किया था। जस्ट किडिंग सोनम। तो ये थी हमेशा बकबक करने वाली सोनम, जो हमेशा की तरह थोड़ी कंफ्यूजिंग तो थोड़ी मच्योर नजर आई। वी होप कि सोनम की नादानियाँ थोड़ी कम हो जाए। से, 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 से,